प्राइसिस का आज तक पूरी दुनिया में एक भी केस डॉक्टरों ने ठीक करके नहीं दिखाया, उसमें आराम पड़ता है, वो वापस फिर वैसा ही हो जाता है। लेकिन शनि धाम में वो कार्य भी हुआ है केवल दीपदान के जरिए और यज्ञ सामग्री के जरिए, क्योंकि अगर आपको कुपित वायु से कोई भी प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टरों से कदापि नहीं जाएगी। यानी कि डॉक्टर 500 वर्ष तक भी रिसर्च करेंगे, मेहनत करेंगे, और जब तक कुपित वायु को नहीं जानेंगे, जब तक आयुर्वेद की उसी विधा को वापस नहीं लेके आया जाएगा, जब तक उसी वैदिक परंपरा वैदिक रीति को नहीं लेके आया जाएगा जिससे कुपित वायु निकल जाए, और ये कुपित वायु को केवल मंत्रोच्चारण से और मंगल उद्भासना से ही दूर किया जा सकता है, और इसके अलावा कोई उपाय इसका दुनिया में है ही नहीं। और यही सार्थकता है कि आप वैदिक उपाय करें, भगवान का नाम जप करें, इसलिए मनु भैया ओम नमः शिवाय ओम का जाप कराते हैं, और ये हमारे दरबार की सार्थकता है। आप यहाँ हम यहाँ इलाज नहीं करते हैं किसी भी रोग का, लोग अपने आप आके बताते हैं। जब वो 7-8 बार आ चुके होते हैं, हम पहली बार 8 बार बुलाते हैं, किसी की और भी गंभीर समस्या है उसको ज्यादा बार भी आना पड़ सकता है, लेकिन ना तो यहाँ बहकाया जाता है, केवल सत्य से सामना होता है। और जब आप 8 बार से भी ज्यादा आते हैं, आप अपने आप ही बताते हैं कि मेरा ये रोग ठीक नहीं हो रहा था, और ये रोग डॉक्टर ने ऐसा बताया था कि जो कदापि ठीक नहीं होना था, यानी कि पूरे जीवन भर आप दवाई खाते रहते। गठिया बाई की भी डॉक्टर पूरे जीवन भर दवाई खिलाता है, लेकिन मेरा मानना यह है अगर संपूर्ण भारतवर्ष से गठिया बाई के 500 मरीज एक साथ आवे और मैं 3 दिन तक उनको देखूं, तो शायद उनको लगे कि जीवन भर यूं ही दवाई खाते रहे मुफ्त में, और उनकी गठिया बाई के जो दर्द हैं वे पहले 3 दिन में ही गायब हो जाएंगे। ये मेरा वादा है, गारंटी भी है, और इसको मैं लिख के भी दे सकता हूँ। जबकि डॉक्टरों से 15-15 साल में 20-20 साल में वो दवाइयाँ खाते हुए भी जो है आराम नहीं पड़ते। इसके अलावा भी एक बहन हमारे पास आई थी, उसने 2.5 लाख के 3 इंजेक्शन लगवाए थे, जिसके बाद उसकी और हालत बदतर हो गई थी। और यहाँ भी जितने भी लोग यहाँ पर हैं और वो परेशान है बीमारियों से, उन लोगों को मैं ये कहता हूँ कि आपकी जो बीमारियाँ हैं आपने देखी हैं, और आप डॉक्टर से दवाइयाँ भी ले रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, आपको भगवान का नाम लेना है स्वार्थता से, प्रेम से और बड़े ही विचार से, आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी चीज़ों में कमी आ जाएगी। मनु भैया, आपने बात करी कुपित वायु और वैदिक इलाज की, वैदिक मंत्रों के जरिए इलाज की। कुपित वायु क्या है, और क्या आप मानते हैं कि मेडिकल साइंस के ऊपर ये वैदिक मंत्र होते हैं जिनके मंत्रोच्चारण से हवन करने से वो बीमारियां दूर हो जाती हैं, जिसका इलाज मेडिकल साइंस नहीं कर पा रहा है? जी, मेडिकल साइंस को आज तक यही नहीं पता है कि कोई प्रेत होता है। पहली बात तो वो उसको नकारता है और हंसता है, लेकिन अगर वो शनिधाम मनु भैया जी ट्रस्ट पर एक एक वीडियो, हमारा जो शनिधाम मनु भैया जी ट्रस्ट के नाम से जो ऑफिशियल चैनल है उस पर एक एक वीडियो देखे, तो मेरे ख्याल से चिकित्सा जगत को कुछ तो शर्म आएगी और वो अपनी खोज को और आगे बढ़ाएगा इस दायरे के लिए कि हमें जो है हमारी पूर्ति हो जाए और लोगों को स्वास्थ्य मिले, शीघ्र ही स्वास्थ्य मिले, और उस खोज में हम उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। या फिर वो डॉक्टर ही खुद आमंत्रित करे, दुनिया का कोई भी हॉस्पिटल मुझे आमंत्रित करे और ये बताए कि एक साथ उसके यहाँ इतने रोगी हैं, इतने मरीज हैं, और मैं 3 दिन तक उस पर रिसर्च करूंगा और वो खुद ही देख लेंगे कि लोगों के रोगों में कितनी उन्नति आती है ठीक होने में। जय श्री। मतलब आप चैलेंज कर रहे हैं डॉक्टर्स को एक बार को कि दवाइयों से इलाज ना होकर के वैदिक मंत्रों से होगा, आप बेहतर उनको जल्दी सही कर सकते हैं। मैं ये चैलेंज नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टरों को एक सच्चाई जाननी पड़ेगी, कुपित वायु की कुपित वायु भी रहती है। अगर वो इलाज करते हैं तो इलाज हम भी करते हैं, लेकिन हम एक दायरे में इलाज करते हैं, हम मंत्र औषधि से इलाज करते हैं, मंत्र चिकित्सा से करते हैं। हम केवल प्रेत और पितृदोष निकालते हैं, ना किसी को नौकरी देते, ना किसी की हाइट बढ़ाते, और ना किसी का कोई ऐसा कार्य करते कुछ जिसको आप लोग लेके आते हैं। कई बार कोई नौकरी के लिए आता है, कोई हाइट बढ़ाने के लिए आता है, कोई सीधा कैंसर के लिए आता है, तो हम उन रोगों का इलाज नहीं करते हैं। हम केवल प्रेत और पितृ के तत्वों को आपके शरीर से निकालते हैं, और अगर उसके कारण डॉक्टर आपको बता रहे आपके पेट में गांठ है तो हम हाथ लगा के तुरंत करके दिखाते हैं। अगर आपको गांठ होगी तो हम खुद ही कहेंगे आपको डॉक्टर के पास जाना है, अगर नहीं होगी तो हम नहीं कहेंगे, फिर हम करके दिखाएंगे कि आपकी निकाल दी है हमने, और आपको आराम पड़ता है, उसी समय आप बेहतर महसूस करते हैं, उसी समय आप देख पाते हैं कि जिस गांठ में इतना दर्द था जिसके कारण आप डॉक्टर के गए, हम पेट पे घुसा मार के दिखाते हैं कि आपको अब बताइए दर्द कहाँ है, और वो दर्द ढूंढते रह जाते हैं। तो ये वीडियो अगर आप हमारी देखेंगे ऑफिशियल चैनल पे शनिधाम मनु भैया जी ट्रस्ट पे, तो आपको पता चलेगा कि वाकई में मनु भैया जो दावा करते हैं वो करके दिखाते हैं। और एक बात, मनु भैया सत्य बोलते हैं, जो भी आज तक मैंने दावा किया है वो करके दिखाया है। करके दिखाने के लिए मैं हॉस्पिटल में जाने के लिए तैयार हूँ, मैं उनको ललकारने के लिए नहीं, मैं उनको ये बताने के लिए तैयार हूँ कि आप देखिए कि ये मरीज और भी बेहतर तरीके से और भी पहले स्वास्थ्य हो सकता था, उसको पहले स्वास्थ्य मिल जाता, लेकिन एक गलती के कारण कि हमारे ये ना जानने के कारण कि कहीं कुपित वायु होती है, प्रेत और पितृ दोष भी होता है, ये ना जानने के कारण
हमारे इसका रोग बढ़ गया है और ये लंबे समय से दवाई ले रहा है और इसको कोई आराम पड़ नहीं रहा है, क्योंकि डॉक्टर जब तक रिसर्च करता है कि ये आदमी ठीक नहीं हो रहा तब तक वो आदमी ही खुद डॉक्टर क्या हॉस्पिटल ही बदलता रहता है। मुझे ये बताइए कि प्रेत और पितर की आप बात कर रहे हैं, तो आप मानते हैं कि जो इंसान को बीमारी होती है वो दरअसल बीमारी ना होकर इन वजहों से होती है और उसका इलाज प्रेत और पितर का इलाज होना चाहिए? अगर उसका इलाज हो जाता है तो जो तमाम बीमारियां हैं, कैंसर, पेट में दर्द, अल्सर, तमाम चीज़ें, सिर में दर्द या कई बार शरीर पर फालिश, ये सब प्रेत और पितर के इलाज करने से ही दूर होता है? मेडिकल साइंस जी बाद में आती है। मेडिकल साइंस जो है हमारे लिए एक बहुत कारगर जो है विधि है, लेकिन वो विधि तभी कामयाब है जब हम भगवान का नाम पहले लें घर पे बैठ के आँख बंद करके। कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया का ओम नमः शिवाय ओम का मात्र 15 मिनट तक जाप करे आँख बंद करके, वो भी मानसिक, अगर उसके शरीर में आंदोलन होता है, उसके दर्द बढ़ जाते हैं, उसके कष्ट बढ़ जाते हैं, उसके कंधे भारी हो जाते हैं, उसको उबासियाँ आने लगती है और या फिर उसके दर्द एकदम से घटने लग जाते हैं, वो जिस स्थिति में था वो स्थिति बिगड़ जाती है या फिर वो स्थिति संभल जाती है, तो वो समझे कि मुझे डॉक्टर की कोई भी बीमारी नहीं है। तो चाहे फिर उसको कैंसर ठीक हुआ हो, क्योंकि मैं यहाँ एक लड़की को अभी 2 घंटे के अंदर बुला सकता हूँ जिसको डॉक्टर ने कैंसर बताया, जब वो यहाँ कुपित वायु से ठीक होने लगी फिर डॉक्टरों ने उसको टीबी बताया, जब वो उससे भी ठीक होने लगी तब डॉक्टरों ने उसको कह दिया अब आपको कुछ भी नहीं है। यानी कि आपने कैंसर का इलाज किया, हम मान सकते हैं इसको, क्योंकि डॉक्टरों ने कैंसर बताया। लेकिन आज तक कैंसर के मेरे पास 2 ही मरीज ठीक हुए, सारे तो नहीं हुए। क्यों? क्योंकि मनु भैया कैंसर का इलाज नहीं करते, प्रेत और पितर को लेके ही, यानी कि कुपित वायु को लेके ही इलाज करते हैं, जो हमारी वैदिक परंपरा है। मैं डॉक्टरों के सामने विपक्ष में नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि लोग डॉक्टरों पर भरोसा करें, लेकिन एक हद तक, और जब वो लूटने ठगने लग जाए तब, अगर उसके 40 लाख रुपए कहीं जा रहे हैं, 15 लाख रुपए कहीं जा रहे हैं और 15 साल से वो माइग्रेन का इलाज करा रहा है, अगर ठीक नहीं हो रहा तब तो डॉक्टर को भी सोचना चाहिए ना, इसका मतलब कुछ हमारे से बाकी रहता है। अच्छा, कितने दिनों में आप सही कर देते हैं? क्योंकि आपने कहा 8 बार कम से कम आप लोगों को बुलाते हैं, तो ये जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो कितना होती है, वो 8 बार कितने दिनों में कंप्लीट होता है? एक ही बुखार है, वो किसी का पैरासीटामोल टेबलेट से एक से चला जाएगा, लेकिन डॉक्टर नहीं बता सकता कि इसका 1 बार की खुराक में चला जाएगा, इसका 5 बार की खुराक में चला जाएगा, इसका 25 बार की खुराक में चला जाएगा। तो आपको चाहिए कि उसके इलाज को बेहतर करने के लिए आप कम से कम 8 बार मैं बुलाता हूँ। उसके बाद भी जिन लोगों को भारी समस्या है, क्योंकि ये तंत्र क्रिया होती है और तंत्र क्रिया कई बार इतनी भारी होती है कि कुछ लोगों की 2 साल में जाती है, कुछ लोगों को 3-4 साल भी लग जाते हैं, कोई लोग किसी दरगाह पे 20 साल से पड़ा हुआ है, किसी मंदिर पे 20 साल से पड़ा हुआ है, लेकिन मनु भैया के यहाँ सबसे कम समय क्यों लगता है कि यहाँ आप अपनी चिकित्सा तो करते ही हैं, मनु भैया भी आपके लिए मंत्र जप करते हैं, यज्ञ करते हैं। और एक बात, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आपकी चिकित्सा करता हूँ तो आप उसमें सर्वोपरि हैं, क्योंकि आप सबसे पहले अपनी चिकित्सा खुद करते हैं, जब आप भगवान के नाम से जुड़ते हैं तभी से आपकी चिकित्सा चालू हो जाती है, क्योंकि ईश्वर का नाम सर्वोपरि है। अंततः डॉक्टर भी कहता है कि आप ईश्वर की शरण में जाइए, आप उनसे प्रार्थना कीजिए, तो इसलिए मंत्र चिकित्सा जो है वो सर्वोपरि है। जय श्री। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, ये तमाम सामग्री है यहाँ पर, ये सामग्री जो है और ये हवन कुंड है, तो आप किस तरीके से मंत्रोच्चार करते हैं, क्या मंत्र होते हैं, और क्या जो बीमार जो होता है, जिसकी जो परेशानी होती है, कष्ट होते हैं, उन लोगों को भी अपने साथ बैठाते हैं? क्योंकि यहाँ तो सैकड़ों में संख्या आती है, यहाँ तकरीबन शनिवार एतवार को 2,500 लोग आते हैं, और इसके अलावा प्रत्येक दिन कम से कम 500 परिवार यहाँ पे आते हैं, जो 1500 की संख्या में आते हैं या 1000 लोगों की संख्या में, 1200 लोगों की संख्या में आते हैं। मेरे से कौन व्यक्ति ऐसा है जो अभी तक सामने आमने सामने नहीं मिला है? जो आमने सामने मिले हैं मुझसे बात की है वो हाथ उठाएं जरा, जो मुझसे आमने सामने मिले हैं मुझसे बात की है वो दोनों हाथ उठा लें, जो दूसरी बार आए हैं आज उनसे तो बात होगी, लेकिन जो हमेशा यहाँ आते हैं, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति से मैं मिलता हूँ, इसका मतलब ये है चाहे कितने भी व्यक्ति यहाँ पर आए, और बहुतों की मैं उनमें समस्या बहुत गंभीरता से जान लेता हूँ, और ये भी जान लेता हूँ कि उनको हमारी समस्या है कि डॉक्टर की, तो सबसे पहले मैं अपनी समस्या दूर करता हूँ, उसके बाद उनको डॉक्टरों के पास भी भेजता हूँ, ऐसी बात नहीं है। इलाज का तरीका क्या होता है, किस तरीके से आप इलाज? इलाज का तरीका वही वैदिक मंत्र है, ओम नमः शिवाय ओम पुराणोक्त मंत्र है, ठीक है, ओम सम श्रेष्ठाय नमः ओम, वे ही मंत्र हैं जो हम आज तक जपते आए हैं अपने भगवान के लिए, अपने देवता के लिए, ओम दम दुर्गाय नमः ओम, ये ही मंत्र है। केवल न्यास विधि अलग है कि मैं न्यास करके उन मंत्रों के ऊपर आपके ऊपर से जब ये उतारा करता हूँ, जैसे ही सामग्री डालता हूँ, आपके दर्द कम हो जाते हैं और मैं प्रत्येक क्रिया करके दिखा सकता हूँ। अच्छा, तो आपका कहना है कि जो पीड़ित होता है, जिसको बीमारी होती है या जो परेशानी को लेकर आता है, आप उसके ऊपर ये इसको घुमाते हैं और उसके बाद उसका हवन करते हैं और फिर उसकी परेशानियां दूर होनी शुरू होती हैं? जी, ये हमारी नीति है पहले से ही, हमारी माताएं हमारे ऊपर से 1.25 रुपये वारती थी, 10 रुपये वारती थी, इसके अलावा लाल मिर्च वारती हैं, इसके अलावा एक बाती वारती है,
तो ये हमारा नजर दोष इससे दूर होता था। कई मायनों में कुपित वायु भी उससे दूर हो जाती है। किसी किसी को उसी क्षण कुपित वायु ने घेरा है, प्रेत आदि पितर आदि ने घेरा है, तो वो उसी क्षण निकल जाती है। इससे बहुत आराम मिलते हैं, लाभ मिलते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो आज प्रधानमंत्री रहे हुए हैं, कभी ना कभी उनकी माता ने भी उनके ऊपर से उतारा किया होगा, आपकी माता ने भी आपके ऊपर से उतारा किया होगा। तो ये उतारा जो होता है ये हमारे विकास में। इसके अलावा हम एक दीप जलवाते हैं जो देवता को सीधा सीधा भोग के रूप में देते हैं, यानी कि दान के रूप में देते हैं, तब उससे भी हमारी समस्या बहुत हल होती है। ये मानिए कि जितने भी भारतवर्ष में स्किन के रोग हैं, रोगी हैं, अगर वो रोगी रोजाना तेल मर्दन करें और इस तरह से दीपदान करें तो 40% रोग खत्म हो सकते हैं पूर्णतः जड़ से, जो डॉक्टरों से स्किन के रोग खत्म नहीं हो रहे हैं। यहाँ भी कई लोग ऐसे बैठे हैं कि जिनका डॉक्टर से स्किन का रोग जा नहीं रहा था और यहाँ पर आते ही उनको आराम पड़ गया। इसके पीछे कारण यही है कि आप एक सत्ता है उसको मान नहीं रहे हैं। अगर नहीं मानेंगे तो मनु भैया दुनिया के सबसे बड़े चमत्कारी पुरुष हैं, क्योंकि जो चमत्कार यहाँ होते हैं वो फिर इसलिए होते हैं क्योंकि आपने उसकी सत्ता तो ग्रहण नहीं की। जैसे कोई जादू दिखाता है, अगर उसके जादू का मूल आपको पता चल जाए तो आपको जादू का रस खत्म हो जाता है। लेकिन अगर तो जैसे तब तक आप लोग चमत्कार मानेंगे जब तक आपको ये ना पता चल जाए कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, आप ये मान रहे हैं, आपकी दृढ़ भावना ये है। लेकिन जब वो होते हैं, जब इस बात में आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कोई चमत्कार नहीं है। वो आपके पेट में बैठा था, वहाँ दर्द कर रहा था, आपने निकाल दिया, वो दर्द खत्म हो गया। आपके हृदय पे वो घबराहट कर रहा था, आपने वहाँ से निकाल दिया, डॉक्टर ने उसके लिए स्टंट डाल दिया, फिर भी घबराहट हो रही है। 3 स्टंट डाल चुका है, 5 स्टंट डाल दिए, फिर भी घबराहट हो रही है। लेकिन जैसे ही आपने अपने यहाँ पर आकर वैदिक इलाज कराया तो आपकी वो घबराहट बंद, आपका स्टंट बंद और आपको जो दर्द रहता था, जो घबराहट रहती थी, वो खत्म। यानी आप भूत भी भगाते हैं। प्रेत और पितर का ही हम मूल रूप में इलाज कराते हैं। भूत तो आप है, मैं आपको कैसे भगा सकता हूँ। ये जितने भी शरीर हैं ये जीव भूत है, हम इन्हीं को भूत कह सकते हैं। ये पंचभूत है, यानी कि ये जो शरीर है भाई जी का, ये ही पंचभूत है, ये पंच महाभूत है और इसके अंदर एक जीवात्मा है। इसलिए भगवान अर्जुन को संबोधित करके कह रहे हैं कि इन सब जीव भूतों के हृदय में मैं रहता हूँ। हम भूत नहीं निकालते, हम प्रेत और पितृदोष ही दूर करते हैं। प्रेत की अगर आप बात कर रहे हैं तो क्या ऐसे लोग भी आए हैं जिनका कहना होता है कि भाई हमारे ऊपर प्रेत आ गया है और वो तमाम तरीके के, हम लोगों ने भी वीडियोस देखे हैं, क्या उस तरीके के भी प्रेत ग्रसित लोग आए हैं जिनका आपने इलाज किया है? आप दरअसल यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक जो है ना विज्ञान में इलाज है, वैज्ञानिक विधि है। आपने अभी तक किसी का सर हिलते नहीं देखा, क्योंकि आप जब उसके बारे में पूछेंगे, गहनता से पूछेंगे, तो आप देखेंगे कि मनु भैया ने वाकई में कोई रिसर्च किया है। मनु भैया 20 साल हो गए यही काम करते करते, तो हमने प्रेत को जाना है कि आखिरकार एक महिला का सर क्यों घूमता है, क्यों उसकी हाजिरी आती है और क्या उसी को प्रेत बोलते हैं? नहीं, एक बिंदु मात्र प्रेत होता है, वो किसी के मन बुद्धि पर कब्जा कर लेता है, किसी के वो शरीर में कहीं कहीं किसी अंग पर कब्जा करता है, वहाँ जाके बैठता है, वहाँ अपनी जगह बनाता है, इस तरह से वो आपके शरीर में रुक जाता है, ठहर जाता है। वो बिंदु मात्र जो आपके मस्तक का एक तिल भी हो सकता है, आपके गाल का भी एक तिल हो सकता है, बस इतना रहता है। और उसकी जो ऊर्जा है वो निगेटिव है और उसकी जो पौध है वो निगेटिव है। इसके अलावा निगेटिविटी इस संसार में और कुछ है ही नहीं। जो आप सोचते हैं उसको निगेटिव थॉट आ रहे हैं, वो भी ज़्यादातर उन्हीं कार्यों से आते हैं, उन्हीं चीज़ों से आते हैं। तो इसके अलावा संसार में निगेटिविटी है नहीं, और इस निगेटिविटी के दलदल से जो बाहर आ जाता है वो अपने आप पॉजिटिव हो जाता है, वो अपने आप भगवान का। तो प्रेत मतलब निगेटिविटी है, मैं प्रेत समझना चाह रहा हूँ। हाँ, वो निगेटिविटी है, वो एकमात्र जो सामने बैर बैठी है उसकी जो माथे की बिंदी है वो उसका उतना सही अंश है। एक आत्मा है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है। हम वासना सहित हम किसी उस रूप में घूमते हैं। जब हमारे अंदर वासना क्षय नहीं होती तब हम इस पृथ्वी लोक पर ही रह जाते हैं, प्रेत रूप में, पितृ रूप में। अगर वासनाएं क्षय हो जाती हैं तो हम ऊपर चले जाते हैं। वास्तव में पितृलोक भी ऊपर है, लेकिन जिसको आप प्रेत कह रहे हैं वो किसी ना किसी के घर का है, इसलिए वो किसी का ना किसी का तो पितृ है ही, तो प्रेत ही पितृ है, मैं ये संबोधित करके कहता हूँ लोगों को। अच्छा, मेरे लिए एक बड़ा अहम सवाल ये भी है कि तमाम जो दूसरे लोग हैं इलाज के नाम पे बहुत पैसा भी लेते हैं, तमाम चीज़ें आपने भी देखे होंगे, सुने होंगे। यहाँ पर जो लोग भक्त आते हैं, जो आपसे इलाज कराने आते हैं, जो परेशान लोग आते हैं, क्या उनसे कुछ लिया जाता है, क्योंकि सामग्री वगैरह भी है, उनका खर्चा क्या होता है? देखिए, ये सामग्री जो है ये सामने की दुकान से ली जाती है और मैं इसका एक रुपया भी अपने पास नहीं रखता हूँ, ना मुझे चाहिए किसी भी रूप में। मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ और जगत की सेवा भी यही है, और मैं चाहता भी नहीं कि इसका उद्भाषण हो सकते कि मनु भैया अच्छी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि अगर मुझे ऐसे है कि भाई टीवी पे दिखाया जाएगा मनु भैया सेवा कर रहे हैं तो मेरी सेवा का जो फल है वो आधा रह जाएगा, ठीक है ना, मैं तो चाहता भी नहीं। लेकिन भगवान जो है, ध्रुव कहता है भगवान को कि प्रभु मुझे कोई वर मत देना, बस मुझे अपना साथ देना, क्योंकि वर तो मैं राजा पहले से ही हूँ, और अगर मैं राजयोग करूँगा तो मुझे तो लोभ ही लगेगा, और ये राजयोग जो है मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इन भोगों में और इन लिप्साओं में सारी दुनिया भरी पड़ी है, अंततः तो इस संसार से खाली हाथ ही जाना है। तो आज ही अपनी तैयारी करें
और सबसे बड़ी बात, मैं आते ही इन सबको सबसे पहले आप पूछेंगे इनसे, तो तकरीबन हर दूसरे दिन बैठ के एक घंटे तक लगातार आत्मा के विषय में ही समझाता हूँ, आत्म विषयक ही इनको बताता हूँ। जय शनि। अच्छा, बड़ी चीज ये भी है कि जिस तरीके से आप प्रसिद्ध हो रहे हैं, प्रसिद्ध इसलिए कहूंगा क्योंकि आपकी ख्याति दूर दूर तक जा रही है, लोग विदेश से भी आ रहे हैं और देश के तमाम कोनों से भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपका विरोध भी कर रहे हैं। कानपुर के करौली बाबा बहुत कुछ आपको बोल रहे हैं, गालियां तक दे रहे हैं, आपको चैलेंज भी कर रहे हैं, आपको पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, दुनिया में बहुत सारे बाबा हैं। दरअसल ये पहले जो राजनीतिक विषय था इनका, और जो पैसे कमाने के लिए, धन कमाने के लिए इस विषय में आए। कोई कहता है मैं बाद में कल्याण करूंगा, पहले धन कमाऊंगा, 2025 में फ्री करूंगा, तो इसका मतलब वो 1.5 लाख रुपए लोगों से लेता है। मेरे यहाँ 200 वीडियो है जिनमें वहां से आए हुए लोगों को मैंने ठीक किया है, मैंने तो करके दिखाया, उसने तो आज तक कुछ करके ही नहीं दिखाया। यहाँ से 3 आदमी उसके यहाँ गए थे, 5 आदमी गए थे, 5 में से 3 तो मर चुके हैं, और मुझे पता नहीं उसकी शरणागति कैसी है, लेकिन यहाँ आने वालों को तो हमेशा लाभ होता है, ये आप जानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी बैठती है, आप मुझे गुरु माने तो उनको गुरु माँ मानते हैं, मुझे भैया माने तो आप उनको भाभी कह के संबोधित करते हैं, यही कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लेकिन अगर कोई मेरी पत्नी नहीं है और मेरे बराबर में बैठी है, आप उसको गुरु माँ कैसे कह सकते हो, मुझे तो यही बता दीजिए। सबसे पहले तो उनके गुरु ही संदिग्ध हैं, कि जो एक तांत्रिक थे और तांत्रिक के साथ एक महिला थी जो शादीशुदा नहीं थी, उसको आप माता मान के पूजा कर रहे हैं और उनको गुरु मान के पूजा कर रहे हैं, जो आज एक प्रेत रूप में है, मैंने उनकी आत्मा को यहाँ बुलाया भी और करके दिखाया भी उनसे काम, तो ऐसे किया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। और वो हमारे से श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि वो धन में श्रेष्ठ है, और उन्होंने धन कमाया है लोगों से। भाई मेरे बस की तो नहीं है कि किसी के हृदय को दिखा के 2.5 लाख ले ले। कोई माता अपने कुंडल बेच के आए, कोई अपनी जमीन बेच के आए, कोई अपना गहना बेच के आए, कोई अपनी मोटरसाइकिल गिरवी रख के आए, मेरे बस में नहीं है कि मैं, वो मेरे हृदय में ही आघात लगेगा अगर मैंने किसी से गलत पैसा ले लिया। तो यहाँ तक कि यहाँ आने के बाद अगर किसी की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है तो मैं उसको हॉस्पिटल भी अपने पैसे से भेजता हूँ, और अगर हॉस्पिटल में भी उसको पैसे की जरूरत पड़ती है तो मैं खुद देता हूँ, ऐसी मेरी भावना है, दृढ़ भावना है, और वो मैं पहले से ही काम करता आ रहा हूँ। मेरे इसी काम को जांच के आज हमारे एक मित्र की संस्था ने हमें 2 एकड़ जमीन दी है, इस पे हमने अभी नया धाम बनाया, वहाँ जाने वाले हैं और वहाँ आप लोगों का भव्य स्वागत भी होगा। लेकिन वहाँ भी मेरे पास ना तो महल है ना दुशाले है, वहाँ भी एक बड़ी सी टीन है, जैसे यहाँ ये झोंपड़ी है वहाँ एक बड़ी सी टीन है, उसमें आपको बैठना पड़ेगा, लेकिन चूंकि मैंने सेवा करनी है तो वो काम मैं छोड़ नहीं सकता, वो मेरा लोभ है, मेरा लोग भी सेवा करना है, आप लोगों की जनसाधारण की सेवा करना है और आप लोगों को उचित मार्गदर्शन देना है, आप लोगों को भटकाना बहकाना नहीं है। उत्तरोत्तर मैं आपके जीवन का जो बेशकीमती पैसा है, जिसमें से 40% पैसा आपकी दवाइयों पे खर्च होता है, 25% पैसा आपके आपके बच्चों की शिक्षा पे खर्च होता है, मैं सरकार से अपील करता हूँ कि वो दवाइयों पे और शिक्षा पे खर्च होने वाले पैसे को, चिकित्सा और शिक्षा पे खर्च होने वाले पैसे को और भी कम किया जाए, नगण्य किया जाए, जिससे मात्र संसार की सेवा हो सके और ये जो मानव जाति है इसका उत्थान हो सके। करौली बाबा, आप कह रहे हैं कि वो पैसे के लिए काम करते हैं, ठीक है, पैसा लेते हैं, आप नहीं लेते हैं, लेकिन करौली बाबा आपको लगातार गाली दे रहे हैं, उनका कहना है कि आप कोई चमत्कार नहीं करते हैं, आप ढोंग करते हैं, तमाम तरीके की चीजें कर रहे हैं, चमत्कार ढोंग और गालियां करौली बाबा आपको दे रहे हैं, इस पे क्या? भाई वो बड़ा सीनियर आदमी है, आपको पता है कि वो एक राजनेता था पहले, NSA की धारा, राष्ट्रद्रोह की धारा उस पर लगी हुई थी, और आप जानते हैं, मैं तो ये तक जानता हूँ कि वो 15-20 साल का था जब उसने किसी से मोटरसाइकिल ली थी, उसके आज तक 14,000 रुपये नहीं दिया। मेरे जीवन के बारे में तो आप ये गाँव रहा पास में, वहाँ चले जाए और यहाँ सारे में पूछ ले, मैं 10-12 सालों से यहाँ रहता हूँ, श्याम विहार के आसपास ही रहता हूँ, यहाँ पहले RP सिंह के मकान में रहता था, फिर किराए पे दूसरी जगह आया, फिर किराए पे तीसरी जगह गया, फिर किराए पे चौथी जगह गया, फिर किराए पे पांचवी जगह आया, फिर एक मकान बनाया, 12 साल लगातार काम करके, रोजाना पसीना बहा के, एक एक आसन पे 18-18 घंटे बैठ के, फिर लोगों को सच्चाई बताई कि आखिरकार आप लोग क्यों परेशान है, फिर वो मकान भी आज जो वो हमने धाम बनाया वो मकान भी बेच दिया गया है, अब मैं आपके इसी छोटे से धाम में रहूंगा अपने बच्चों के साथ, हालांकि ये बहुत बड़ा है, 1,000 गज जमीन है और मेरी यही कमाई है, और वो जमीन हमें मुफ्त में दी गई है संस्था की तरफ से, उस पर हमने बना के अपने पैसे से खड़ा किया, उसके लिए हमें तो मकान बेचना पड़ गया। जितने आपके पास आ रहे हैं इलाज कराने, तो कहीं ना कहीं चमत्कार लगता है, और वो चमत्कार नहीं, आपको फर्जी बता रहे हैं, फ्रॉड बता रहे हैं। नहीं, चमत्कार तो हमारा इसलिए नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप जिससे भी पूछ रहे हैं वो कह रहा है कि मैं 8 बार आ रहा हूँ तब आराम पड़ा, कोई कह रहा है मैं 20 बार आया हूँ तब आराम पड़ा, कोई कह रहा है मैं 10 बार आया हूँ तब आराम पड़ा, मैंने तो कहा नहीं उनको, आप आओ अपनी सेवा करवाओ तब आराम पड़ेगा, उल्टा उन्होंने क्या कहा है देखिए ध्यान से, हम कहते हैं कि हमने आज तक 5 लाख लोगों को ठीक किया है,
केवल मंत्र चिकित्सा के जरिए, वैदिक रीति के जरिए। हमारे पास क्या है, उन्होंने यही तो देखा था, एक लड़की को यहाँ भेजा, हम नारियल की उपासना करते थे लेकिन हमने देखा उसमें लोगों का पैसा ज्यादा लगता है, इसलिए हमने उसको बंद कर दिया। उसने शुरू कर दिया। कोई उससे पूछे कि आपके 250 रुपए गोले की कीमत 3500 रुपए कैसे हो जाती है, जबकि आप कह रहे हैं कि मैं चिकित्सा नहीं करता, लोगों की चिकित्सा अपने आप होती है। अपने आप कैसे होती है कि वो संकल्प करते हैं, वो हवन करते हैं अपना आप। आप बताइए एक बात कि अगर किसी व्यक्ति ने मंत्र को इतना सिद्ध किया है, वही तो आपका हवन कर सकता है, तभी तो उसका फल मिल सकता है। तो फिर एक बच्चा जो पत्थर फेंकता है दूसरे को मारता है और एक बड़ा जो पत्थर मारता है, दोनों की चोट में फर्क कैसे है? तो फिर अगर आप अपने आप ही हवन करने गए हैं तो फिर करौली का मतलब क्या रहा आपका जाने का, और अपने ही संकल्प अपने आप करने गए हो तो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। तो इसलिए एक ऐसा सिद्धत के साथ एक ऐसा भक्त आपको चाहिए जिसने 6 वर्ष तक मैंने बैठ के तप किया, 18 घंटे तक रोजाना जप किया है। आप उसके जीवन का एक दिन का भी तो तप बता दें, वो तो सामने बैठ के ऐसे बताता है कि ये ब्रह्मा जी आ गए, ये विष्णु जी आ गए, आपके ब्रह्मा विष्णु महेश को गाली देता है, आ गए ना। और मैं संबोधन नहीं करना चाहता टीवी के सामने, अगर आप उनकी एक वीडियो देखेंगे तो मुझे ये समझ में नहीं आता ये हिंदू राष्ट्र वाले ये क्या करते हैं, जो हिंदू करते हैं वो क्या करते हैं कि देवताओं को गाली दी जा रही है और वो चुप है, वो मौन है। एक ऐसा व्यक्ति जो केवल जिसके आंचल में गुंडे ही पले हैं और कोई पला ही नहीं है, केवल ऐसा व्यक्तित्व है जिसके पास हजारों गाड़ियां चलती हैं साथ साथ में। मनु भैया के पास आप मनु भैया का वैभव देख सकते हैं, मेरा वैभव मेरी भक्ति है, मेरी ये 15 रुपए की तस्वीर है जिसकी आंखों से 2 रश्मियां निकलकर मेरे मस्तिष्क में समा गई, मेरा वैभव मात्र इतना है। और उसका वैभव जो है वो 7 करोड़ की गाड़ियां है, 8 करोड़ की, 10 करोड़ की गाड़ियां है, और उसका वैभव एक बड़ा होटल है आलिशान, उसके बेटों की कंपनियां हैं जो वहां पे सामग्री बेचती है, और उसका वैभव उसके बेटों की वो मिल्क डेयरी है जिसका वो घी भी 1800 रुपए किलो में बेचते हैं। फिर दोनों के वैभव में अंतर है, मेरा वैभव मात्र मेरे शनिदेव महाराज है कोकिला वन वाले, जिनकी तस्वीर भी जो वहां पे इलाज कराने के नाम पे आते हैं उनको बेवकूफ बना करके वो उनसे पैसे ऐंठते हैं। जी जब आपके देवताओं को बुलाएंगे तो लोग तो अंधे हैं, उनको थोड़े ना दिखाई दे रहा है, ये तो सूक्ष्म वस्तु है। सूक्ष्म यानी कि उनके पास राधा रमन नाम का एक प्रेत है, मैं तो सीधा कहता हूँ वो प्रेत पूजा है, भूत पूजा है, और वो आपको आपके शरीर के अंदर घुसा देता है, और उसमें भी वो 70% की सक्षम है, सबके अंदर नहीं घुसा पाता। फिर उसको महर्षि सुश्रुत और महर्षि क्या क्या कह के वो देता है, तो आप खुद जानते हैं कि महर्षि दधीची सुश्रुत आपके देवताओं को, आपके ऋषि मुनियों को जिनकी श्रेष्ठ विद्याएं रही हैं उनको वो तार्किकता पे लेता है, और आज कहता है मेरे यहाँ 10,000 लोग ठीक हुए। 10,000 तो आपके यहाँ एक दिन में आने वाली भीड़ है, तब आज तक 10,000 लोग कैसे ठीक हुए आप ये देखिए। और फिर ठीक हुए हैं तो फिर मनु भैया के पास भी 200 लोग क्यों पहुंच गए जिनको मनु भैया ने ठीक किया, बकायदा ठीक करने की वीडियो है हमारे ऑफिशियल चैनल पे, जिनको मनु भैया ने ठीक किया और वो अपने आप को लुटा हुआ महसूस उन्होंने किया, ठगा हुआ महसूस किया, और वो जाके पैसे नहीं मांग सकते। मेरे यहाँ जब 2100 रुपए की पर्ची कटती थी मैं वो देता था पर्ची, उसमें भी कई लोग वापस पैसे मांगने आ जाते थे, मैंने सोचा इसका मतलब संसार की हालत खराब है, मुझे ये भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल के बाद से आपको पता है हमारी व्यवस्था जो है सभी देशों की आर्थिक व्यवस्थाएं चरमरा गई है, और लोगों को कमाने में यानी कि पैसे को कमाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, और अपने घर का पालन पालन करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। करौली बाबा कानपुर में बैठे हुए हैं, वो अलग इलाज कर रहे हैं, आप यहाँ दिल्ली में कर रहे हैं, तो करौली बाबा को दिक्कत क्या है आपसे जो आपको हमेशा टारगेट करते हैं या तक चैलेंज देते हैं? हमारा एक चैनल था जिसके 6 लाख सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पे, वो उन्होंने बंद कराया किसी शातिराना तरीके से, और तब उनके केवल 35,000 सब्सक्राइबर थे, उनको लगा मेरा सामने मेरे प्रतिद्वंदी ही ये है, अगर मैंने इनको दबा लिया, तब हमारे पास दिन में 5,000 के करीब लोग आते थे, वो जगह भी बड़ी थी, और कोरोना काल के बाद हमारे पास उसकी आधी संख्या रह गई है, क्योंकि इन्होंने ऐसे सब्ज बाग दिखाए ना लोगों को कि एक दिन में ठीक करता हूँ, जबकि मेरे पास ऐसी वीडियो भी है कई जिनमें ये कहता है कि मैंने एक दिन में अगर तेरे बेटे को ठीक कर दिया तो ये मारा जाएगा, और ऐसे ही एक आदमी कहता है कि मैं 2.5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, मेरी पत्नी को आज ही ठीक कीजिए, तब वो कहता है कि मैंने अब अगर अभी इसके प्रेत निकाल दिए तो ये अभी के अभी मारा जाएगा, ठीक है ना, अभी के अभी मर जाएगा, इसलिए एक दिन में कोई चिकित्सा नहीं हो सकती। आज वो वनडे चिकित्सा करता है, रोजाना उसके धाम की ऐसे शक्ति बढ़ जाती है जैसे सारे देवता उसी के लिए काम करते हैं और किसी के लिए काम नहीं करते हैं। इसलिए भारत के जो महात्मा है, जो शुद्ध महात्मा है, विशुद्ध महात्मा है, वो अभी जागे नहीं है, उनको पता नहीं है कि ये अगर जो सामान्य जनसाधारण है इसकी जो खाल खींची जा रही है, इसको जो तड़पाया जा रहा है, इसको जो रुलाया जा रहा है, और इसको जो सब्ज बाग दिखाया जा रहा है, इनके मस्तिष्क से जो स्मृतियां मिटाई जा रही हैं, जबकि वो स्मृतियां कभी मिटती नहीं है, आप भी जानते हैं, ठीक है ना। आप लोग जाके इंटरव्यू तो लेते हैं लेकिन खुद भीड़ में, मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपने चैनल पे मुझे बुलाइए, सबसे बड़ी बात आपके चैनल में जितने भी लोग काम कर रहे होंगे अगर उनमें से किसी को निगेटिविटी होगी, कुपित वायु होगी, तो मैं ढूंढ के तुरंत निकाल के दिखा दूँ, इसमें क्या हानि है बताइए।
मेरा जादू ऐसा नहीं है कि जो यही काम करे, यानी कि मेरे पास तो ऐसी विद्या है जो हाथों से की जाती है, मेहनत से की जाती है। बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे अपना एक छोटा हथौड़ा लेना पड़ता है और वो मारना पड़ता है, तब आपके दर्द गायब करता हूँ मैं। और कौन कौन हथौड़ी लगवाने के लिए तैयार है, यही हाथ उठा दीजिए जरा, ये देखिए। वहां तो उन्होंने एक डॉक्टर को पीटा, मैं तो रोजाना इतने लोगों को पीटता हूँ, तब ये खुश है, तब ये खुश है। डॉक्टर को पीटने की आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर अपने परिवार के साथ, बड़े नामी डॉक्टर थे, अपने परिवार के साथ वो गए वहां पर बाबा के यहाँ पे, और उनकी बड़ी बुरी तरीके से पिटाई की गई, मुकदमा भी दर्ज हुआ है, और आपने देखा होगा पूरा पूनम खान थे। मैं तो साधुवाद देता हूँ उन डॉक्टरों को, तो ये उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है बाबा जी की वो निकलती है, क्योंकि ऐसे ही बाबा के ढाबा जो है ऐसे ही करते हैं। तो जिसको अभी लोभ है, जिसके मूल में लोभ है और क्रोध है, तो आप जानते हैं वो व्यक्ति संसार का क्या भला करेगा, जिसके मूल में लोभ भी है क्रोध भी है, और फिर वो कहता है कि मैं जन जागरण कर रहा हूँ, मैं लोगों के दुख दूर कर रहा हूँ, और वो भी इतने मोटे पैसे में कि जो सामग्री है वो 250 रुपए की है और दे 3550 में रहा है, उसकी भी आदमी के पास कोई रसीद नहीं होती है। आप देखिए किसी के पास बैंक से, और ये पहले तो नकदी लेता था, अभी किया है इसने ये, जब से इसके ऊपर गाज पड़ी है, कि डॉक्टर जो सिद्धार्थ है सिद्धार्थ चौधरी है, मैं तो उनको साधुवाद देता हूँ, इससे लोगों की आंखें खुली है। ये बात मैंने 4 साल पहले बताई थी कि इस पे एनएसए लगा हुआ है, ये मेरे पास एक मैसेज है, एक वीडियो में सीधा ऊपर वही दिखाई देता है, कोई लड़का है उसने बताया कि इसने मेरे घर के नकली कागज बना के, भूमाफिया है, नकली कागज बना के मेरे घर पे कब्जा किया है, मेरी आत्मा रोती है, आप ठीक कर रहे हैं जो इसके खिलाफ ऐसा काम कर रहे हैं। मैंने नहीं किया, शुरुआत उसी ने की, मेरे पास ऐसी 15 से 20 वीडियो है जो रिकॉर्डेड है, और इसकी भी मैं पत्ती की बात बता देता हूँ, यहाँ आने से पहले उनकी एक लड़की यहाँ 3 दिन रह के गई, तब उसने पूरी चिकित्सा जानी, तब इन्होंने ये खेला खेला है जनता के साथ। यहाँ आने से पहले ये एक महिला को, मेरे पास वीडियो है वो भी प्रूफ के रूप में, ये महिलाओं को त्रिशूल पकड़ा के जल से नहलाया करता था और जाप किया करता था और अपने गुरु को उसके अंदर प्रविष्ट कराया करता था। इससे पहले की बात बता दूं, क्योंकि मंत्र जपा होगा तो मंत्र शक्ति होगी ना, जब मंत्र जपाई नहीं मंत्र शक्ति कैसी। आप देखिए, मान लिया बागेश्वर वाले हैं तो संसार के बारे में उनको कौन बता रहा है, हनुमान जी तो बताते नहीं है, उनके गुरु ही बता रहे हैं, गुरु दादा गुरु बता रहे हैं उनको। इसी तरह पंडोकर सरकार को उनको दादा गुरु बता रहे हैं, जिनमें देवत्व मौजूद है, जिनमें देवत्व मौजूद है, इनको भी इनके गुरु जो है वो दूसरे के शरीर में घुस के, क्योंकि उनमें देवत्व नहीं है, उसमें प्रेतत्व मौजूद है, वो दूसरे के शरीर में घुस के जैसा ये कहता है अब इसको उठा के पटको वैसा पटक देता है, ये मंत्र की शक्ति नहीं है, ये तो प्रेत की शक्ति है। प्रेत से आप प्रेत को निकालेंगे, कब तक निकालेंगे, एक दिन तो भंडाफोड़ हो गई ना, तो अब ये ही दूसरी शक्ति है, विलक्षण शक्ति है, कि आपने मंत्र जपा है, मंत्र को पाया है, तभी तो वो खिलेगा, अगर वो पौधा बन गया तभी वो फल देगा। और मैंने मनु भैया ने लगातार, आप आज भी देखते हैं मैं जप करता हूँ रोजाना कि नहीं करता हूँ, जोर से बोलिए, मेरा पूरा दिन जप ही चलता है। आप आगे, बल्कि मुझे तो ये है कि अब जितने मीडिया वाले आएंगे उसमें मेरा जप बंद होगा उतनी देर के लिए, ठीक है ना, तो मुझे तो, लेकिन कोई बात नहीं, जब भगवान ने आपको भेजा है तो मैं आपको आपके सवालों के जो आप चाहते हैं वो तो जवाब दूंगा ही दूंगा। मीडिया का सामना करना भी बड़ी बात है और श्रेष्ठता से अपनी बात को सिद्ध करना भी बड़ी बात है और सत्य बोलना भी बड़ी बात है और सत्य का जागरण कराना भी बड़ी बात है। आपका साधुवाद। TV9 भारतवर्ष बहुत बड़ा चैनल है, हमारे धाम पे आया, इस छोटी सी गरीब की झोपड़ी में आया और यहाँ पर आकर उसने लोगों के इंटरव्यू लिए। आप यहाँ आने वाले लोगों के शाम तक इंटरव्यू ले सकते हैं। मैं नहीं कह रहा सब लोग ठीक हुए, लोग आके बताते हैं मुझे कि मैं ठीक हो गया, मेरी ये बीमारी ठीक हो गई, ऐसा ही है भाई, ऐसा ही वो बताते हैं, मैं नहीं पूछता। मैं तो रोजाना अपनी सेवा करता हूँ, सेवा दे के जाता हूँ, फिर उनसे पूछता हूँ क्या आपको आराम पड़े हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं हर व्यक्ति से 8 बार के अंदर अंदर पूछ लेता हूँ कि आपको आराम पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं, तब उसका कारण हम जानते हैं कि आपको आराम पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे पास तो एक ऐसी विधि है जिससे हम ये जान लेते हैं इसके शरीर में प्रेत आदि है कि नहीं है, जमावड़ा है कि नहीं है, इनको दोष तो नहीं है। आप मुझे बुलाइए, पूरे हॉस्पिटल में सारी नर्सों को खड़ा कर दीजिए, मैं मरीजों की नहीं कह रहा हूँ, किसी भी हॉस्पिटल की सारी नर्सों को खड़ा कर दें, मनु भैया उनके कान में फूंक मारेंगे, उनको फूंक वहीं लगेगी जहां उनको दोष होगा, जिसको नहीं लगेगी वो दोष फ्री है, वो दोष का नहीं। बागेश्वर बाबा धीरेन शास्त्री पंडित जी, जिस तरीके से वो लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? समस्याएं दूर करने के बहुत सारे साधन है, उन्होंने भी एक साधन अपनाया हुआ है और ये भी श्रेष्ठ साधन है, लेकिन इस साधन में मैं मानता हूँ कि माताओं बहनों के सर खुले होकर घूमते हैं, उनको आराम जरूर पड़ता है, वो जो घूमते हैं वो मुझे तो खलता है, इसलिए मैं भैया हूँ, क्योंकि मैं चाहता नहीं, मैं तो वैज्ञानिक विधि से यहाँ सबको ठीक करता हूँ। और जो आदमी एक बार आगे घूमता है, किन किन लोगों की हाजिरियाँ बंद हो गई है हाथ उठाना जरा, तो उस तरह की हाजिरी जो है घूमने वाली जो जिनके सर घूमते थे, देखो वो हाथ उठा,
जिनके सर खेलते थे अब नहीं खेलते हैं, जिनको हाजिरी आती थी जो घूमते थे अब नहीं घूमते हैं। ये देखिए, ये इनको हाजिरी आती थी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हाजिरी आती है, अगर वो आगे आ जाते हैं फिर जैसे ही हम गाने चलाते हैं, भक्ति गीत चलाते हैं या नाम लेते हैं या अपनी शक्तियों का आह्वान करते हैं तब वो आगे आ जाते हैं। तो एक आपने देखा होगा जब आप खानपुर में जाते हैं तो वो अगर यज्ञ भी कर रहे हैं तो भी माता काली का भजन चला रहे हैं, इसलिए ताकि प्रेत वाले उठ के नाचने लग जाए, क्योंकि उनको शोर पसंद नहीं होता, प्रेत जो है वो एकांत चाहता है। मैं तो प्रत्येक प्रेत के बारे में, प्रत्येक वस्तु पितर के बारे में, प्रत्येक चीज को करके दिखा सकता हूँ, आपके स्टूडियो में भी, अपने धाम में भी, किसी के घर पे भी और किसी हॉस्पिटल में भी, ठीक है ना। तब तो मानेगी सरकार संसार, क्योंकि सरकार को चाहिए कि मंत्र चिकित्सकों के लिए एक चिकित्सालय खोले, वहां पे लोगों को रखे और लोगों के लिए जाप कराए, उससे बहुत सारी औषधियां बच जाएंगी और ऐसी औषधियां भी बच जाएंगी जिनसे अभी लाभ नहीं हो रहा, और हमें एक नई तकनीक का सहारा मिल जाएगा, नई तकनीक का सहारा। बागेश्वर बाबा का जो तरीका है वो सही है, उनमें दम है, वो सही करते हैं? दम ही है तभी तो कर रहे हैं, दम ना हो तो कौन कर पाए, कितने दिन चल पाए। मैं 20 साल से यही काम कर रहा हूँ, लोग आ रहे हैं मेरे पास, दम है तभी तो कर रहा हूँ। आप मतलब उनको फर्जी बाबा नहीं मानते हैं, गलत बाबा नहीं? फर्जी हो कैसे सकते हैं, सबसे पहले चलो ना भी हो ब्राह्मण के पुत्र तो बचपन से जाप करते आए हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान में श्रद्धा है, हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, वैसे तो ब्राह्मण पुत्र है, लेकिन कितनी बड़ी बात है कोई आदमी हनुमान चालीसा का बचपन से जाप करता है और उनको उसके लाभ भी मिले हैं, कथा उन्होंने सीखी है, पारंगत है वो अपनी क्रियाओं में, तो पारंगत होना बहुत बड़ी बात है, जैसे मैं अपनी क्रियाओं में पारंगत हूँ, मेरी विधा उनकी विधा से बिल्कुल अलग है, लेकिन वो भी श्रेष्ठतम तरीके से काम करते हैं, कोई छोटी बात नहीं है इस तरह काम करना। सबसे बड़ी बात, जन साधारण को ठगते नहीं है, लूटते नहीं है, सबके समक्ष करते हैं, हमारी तरह सारा काम करते हैं, हमारे से बड़े लेवल पे करते हैं, हमारे लिए तो प्रणम्य है, हमारे से छोटे हैं प्रणम्य है।